नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक सभी ने कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को किया नमन। सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ के एक सोने की दुकान में व्यवसायी को नकली सोने की चैन थमाकर असली सोने की चेन लेकर पति हुआ फरार, पत्नी गिरफ्तार। आज आरोपी पत्नी को सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। कालचीनी ब्लॉक के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में दो लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कालचीनी पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर शुरू की घटना की जांच। सिलीगुड़ी महकमा परिषद बोर्ड के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर नक्सलबाड़ी में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। न्यू बोकाईजोत इलाके के रेलवे लाइन संलग्न जंगल के अंदर से लापता व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। धूपगुड़ी के विधायक विष्णुपद राय का निधन, अंतिम यात्रा में शामिल हुए कई लोग। आदिवासी महिला की पिटाई करने का आरोप, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने बागडोगरा में पीड़िता महिला से की मुलाकात। मामले में बिना नाम लिए पापिया घोष ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु को रोकने के लिए और माताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आज अलीपुर द्वार जिले के डुअर्स कनिया में की गई बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। छह सूत्री मांगों के समर्थन में सिलीगुड़ी के 36 नंबर वार्ड नागरिक कमेटी ने मेयर गौतम देव को सौंपा ज्ञापन, निकाली रैली। जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक ने 5 अगस्त को अलीपुर द्वार जिले के हर भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने के लिए की बैठक, बैठक में 5 अगस्त को लेकर हुई चर्चा। जयगांव थाने की पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल को बरामद कर मोबाइल के मालिकों को सौंपा। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।